बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू APS ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम। आई एम योर पाकिस्तान स्टडी टीचर मिस सोबिया इफ्तिखार फ्रॉम APS ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम दमयाल OSP राउंड 2 वीक 9 क्लास 980 सेक्शन। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक काबीना मिशन प्लान 1946 पेज नंबर 31 to 38। हम आज डिस्कस करेंगे बेटा, सबसे पहले काबीना मिशन देखते हैं। काबीना मिशन प्लान 1945 में बरतानिया में लिबरल पार्टी बरसर इकतदार आई। बरतानी वजीरिया ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा। मिशन के दो बुनियादी मकासद थे, पहले हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़ह करना, दूसरा मुसलमान हिंदुओं की नफरतों को कम करना। मुतहद हिंदुस्तान में ही देख रखने की कोशिश की जाए, लेकिन आम इंतखाबात ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं। इस मिशन में 3 वज़रा शामिल थे, चुनाचा तमाम अरकान का तलक बरतानी काबीना से था और इसे काबीना मिशन कहते हैं। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात। काबीना मिशन के अरकान ने बरतानिया में बरसगीर में आके मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, गवर्नर सूबों के वज़ीर से तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात में दो बड़ी जमातें मुस्लिम कांग्रेस के मौक़िफ़ वाज़ेह थे। मुस्लिम लीग ने तकसीम और तख्लीक पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल पेश किया और कांग्रेस ने वाहिद कौम की बुनियाद पर जनूबी एशिया में किस्म किस्म की तकसीम की शदीद मुखालफत की। उसने दो कौमी नज़रिए को रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान के तसव्वुर को सख्ती से जुटलाया। नंबर 2, मुज़ाकरात में तनाज़े की कैफियत ही रही। मिशन को हिंदुस्तान भेजते वक्त वज़ीर आला बरतानिया ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि किसी अकलियत को वीटो पावर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं जाएगी, तमाम मुल्की तरक्की की राह को हमवार करने दिया जाएगा। कांग्रेस बयान से खुश थी, लेकिन कायद इस बयान पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने बरतानी वज़ीर आज़म को जवाब दिया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोशा है, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आनी मसाइल हल करने चाहिए। कायद ने मिशन से बातचीत के दरमियान कहा कि बरसगीर एक मुल्क नहीं ना ही एक कौम है, मुसलमान जुदगाना तशख्स रखने वाली कौम है और उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला तयन करने का पूरा पूरा हक हासिल है। काबीना मिशन की तजवीज़। तमाम रहनुमाओं ने से मुलाकात की, वो इस नुक्ते नतीजे पर पहुँचे और 16 मई 1946 को ननकार ने अपनी तरफ से एक मनसूबे का ऐलान किया। उसके नुमाया पहलू, बरसगीर एक यूनियन। बरसगीर को एक यूनियन की शक्ल दी गई, कई सूबे और मुख्तलिफ रियासतें शामिल होगी, एक वफाक बनाया जाएगा। मरकज के पास दिफा अमूर खारजा के महकमे होंगे और बाकी अमूर सूबा के हवाले कर दिए जाएंगे। नंबर 2, सूबाई ग्रुपों की तश्कील। ग्रुप ए, बम्बई, मद्रास, यूपी, बहार, अड़ीसा, CP। बी, पंजाब, सरहद, सिंध। सी, बंगाल, असम। ये एक नौयत की नई वफाक थी जिसके मरकजी, तहजीबी, सूबाई और गुप्पी तंजीम बनाएगी। मरकज़ और सूबों के इख्तियार तो काबीना मिशन तजवीज़ में पेश कर दिए गए, लेकिन सूबों की तंजीम के अरकान इख्तियार की तकसीम के बारे में कहा गया कि उसका फ़ैसला सूबों की तंजीम और ग्रुपों की तंजीम खुद करेगी। सूबे और रियासती मरकज़ी कानून साज असम्बली काबीना में नशस्तें हासिल करेंगे, उनका दारोमदार उनकी आबादी पर होगा। आबादी के तनासब को पेश नज़र रखते हुए हर सूबे को नुमाइंदगी दी जाएगी। नंबर 3, मरकजी आयन साज असम्बली का रख इंतखाब। सूबाई असम्बली के अरकान मरकजी आयन साजी का इंतखाब करेंगे। मरकजी आयन साज असम्बली पूरे बरसगील के लिए आयन तश्कील देगी। मरकजी आयन बन जाए तो तीनों सूबाई ग्रुप अपने आयन बनाएंगे। अबूरी हुकूमत। अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर कायम की गई, ये हुकूमत आयन की तश्कील तक अबूरी तौर पर निज़ाम चलाएगी। अबूरी हुकूमत में बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे, तमाम वज़रा मकामी होंगे। अगर कोई अंग्रेज़ काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा तो काबीना इंतज़ामी उमूर में बाख्तियार होगा। मरकज़ी आइन बनाने और आर्जी हुकूमत के क्याम के लिए ज़रूरी समझेगा तो वह अपना ग्रुप तब्दील कर लेगा। हर सूबे को अपनी पसंद के सूबाई ग्रुप में शामिल का इख्तियार हासिल होगा। यूनियन से इलादगी। सूबों के तीनों ग्रुप में से एक या दो सूबे यूनियन से अलग होने का फ़ैसला करना चाहें तो उन्हें अपने हर इस अमर की इजाज़त होगी, लेकिन अलीहदगी का ये फ़ैसला 10 साल के बाद किया जाएगा।
ग्रुप बी ग्रुप सी के मुस्लिम अक्सरियती इलाके को हक दिया जाए कि वह 10 साल बाद पाकिस्तान बना सकेंगे। विचो कांग्रेस को खुश रखने के लिए मिशन ने अपनी तजवीज़ में एक नुक्ता शामिल किया, कोई सियासी जमात काबीना मिशन को पसंद ना पसंद करती तो वो उसे रिजेक्ट कर सके। अबूरी हुकूमत शामिल होने का हक सिर्फ उस सियासी जमात को दिया जाएगा जो तजवीज़ को कबूल करेगा। उनका ख्याल है कि मुस्लिम लीग का मुतालबा पाकिस्तान नहीं, इसलिए वो तजवीज़ को रद्द कर देगी। यूं का कांग्रेस काबीना मिशन प्लान की मंजूरी देकर गैर मुस्तकिल अबूरी हुकूमत में शामिल होगी। काबीना मिशन पर सियासी जमातें का रद्द अमल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फौरी तौर पर रद्द अमल प्लान को बहुत पसंद किया। कांग्रेस के अरकान गलियों बाजारों में खुशियां मनाते रहे। नेहरू ने कहा प्लान ने जना के पाकिस्तान को दफन कर दिया। मुस्लिम लीग मुस्लिम के अरकान मायूस, उनमें पाकिस्तान का उन्हें इस प्लान में पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया और मुस्तकिल का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। कायद का इज्तमाई फैसला, कायद ने इज्तमाई फैसला करने का इख्तियार दे दिया मुस्लिम लीग को। कायद ने तमाम हलकों की तवक्कुआत के बरक्स काबीना मिशन प्लान को मंजूर कर लिया। कांग्रेस परेशान होगी, क्या मुस्लिम लीग खुश और कांग्रेस मायूस दिखाई देने लगी। कायद ने बयान दिया कि अगर प्लान पर रद्द अमल हो जाता है तो 10 साल बाद मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अलहदा आज़ादी बनाने का मौका मिल जाएगा। कांग्रेस लीडर बहुत उलझन में हो गए। कांग्रेस के नडर मौक़िफ बनाने की सलाहियत से आगा थे। बड़े गौर व फिक्र के बाद कांग्रेस ने आधा प्लान मानने का ऐलान कर दिया। अबूरी हुकूमत की तश्कील आइन साजी पर तो राजी हो गई, लेकिन उसने सूबों की ग्रुपबंदी को रिजेक्ट कर दिया। कायद ने वायसराय काबीना मिशन के अरकान को प्लान को मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया, क्योंकि एक बड़ी जमात भी मुस्लिम लीग ने उसे कबूल कर लिया था। हुकूमत अपने वादे से मुकरी और कांग्रेस के गैर अबूरी हुकूमत की तश्कील पर रजामंद ना हुई। हुकूमत ने कांग्रेस से खौफजदा होकर असूलों से इंसाफ कर लिया। कायद को वादा खिलाफी पर बहुत दुख हुआ, उन्होंने रियासत इकदाम का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को दिन योम रियासत इकदाम करार दिया। अगले पेज पे आप क्रिस मिशन काबीना मिशन प्लान की तजवीज़ का जायज़ा देख रहे हैं। ठीक है बेटा, ये कंपैरिजन है दोनों का, ये आप ख़ुद भी पढ़ सकती हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है अबूरी हुकूमत। मुनासिब तो ये था कि वायसराय मुस्लिम लीग को अबूरी हुकूमत तश्कील देने की दावत देकर, लेकिन इस जमात ने पूरी काबीना मिशन प्लान मंजूर कर ली। प्लान में ये दर्ज था कि एक बड़ी जमात आमाइदा हो गई तो मुकम्मल प्लान नाफज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वायसराय हिंद इंटरनेशनल कांग्रेस ऑल मुस्लिम लीग दोनों को हुकूमत साजी की दावत दी गई और गैर अखलाकी तौर पर पंडित नेहरू को वज़ीरे आज़म का ओहदा सौंपा गया। प्लान के मुताबिक कांग्रेस मुस्लिम लीग ने 6 और 5 वज़रा नाफज़ करने थे। कांग्रेस ने काबीना बनाना शुरू कर दी। पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीग को 5 अरकान नामजद करने की दावत दी। मुस्लिम लीग हुकूमत की बदअहदी से मायूस थी। वायसराय ने भी मुस्लिम लीग को बुरी हुकूमत शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मुस्लिम ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। मुस्लिम लीग कांग्रेस के इजलास में सोचा गया कि 1937-39 की कांग्रेसी वजारतों के दौर को दोहराया जाए और ना ही हिंदू दोबारा जुल्म व सत्यम करेंगे। अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ने वाले थे, ऐसे हालात में कांग्रेस की हुकूमत की जारदारी हुई तो मुस्लिम लीग के लिए बहुत से मसाइल खड़े हो गए। हुकूमती ज़्यादतियों के बावजूद तय पाया कि वायसराय इनकी दावत कबूल कर ली जाए और अबूरी हुकूमत में 5 वज़रा भेज दिए जाएँ। कायद ने वायसराय इनके साथ बातचीत के बाद इससे तावन पर आमादगी का इजहार किया। मुस्लिम लीग ने अबूरी हुकूमत में शामिल होकर अपना किरदार अदा करने का ऐलान किया। 5 मुस्लिम वज़रा मदरजा ज़ैद थे, लियाकत अली खान, अब्दुर्रब नश्तर, आजी चंदर, राजा गंजम्फर और जोगंदर नाट का तल्लुक अछूत बरादरी था। मुस्लिम लीग ने उन्हें नामजद किया। वो ना सिर्फ मुस्लिम लीग के बल्कि दीगर अकलियतों के हकूक के मुहाफिज होने का किरदार अदा कर रही थी। कांग्रेस ने एक मुसलमान अबू अल कलाम आज़ाद को काबीना में शामिल करके बात जाहिर ये कहना चाहा कि वो मुस्लिम लीग की और मुसलमानों की भी नुमाइंदगी करती है। बेटा यह आज की आपका टॉपिक था, यह आपको ऑब्जेक्टिव मुश्किल सवालात हैं जो आप अपनी बुक्स पे कर लें, टिक लगा लीजिए।
ब्लैंक्स भी फिल कर लीजिए, मैच भी कर लीजिए। और ये बेटा आपके सवाल जवाब हैं, हाफ आप कर चुके हैं पीछे 8 क्लासेस में, और दोबारा आप टैली कर लीजिए कोई आपका क्वेश्चन मिस हो गया हो। क्वेश्चंस के आंसर के निशान लगे हुए हैं बेटा, ये आप अपनी कॉपीज पे एक दफ़ा टैली कर लीजिए, टैली कर लीजिए बिल्कुल अपनी कॉपीज पे, ठीक है। उम्मीद आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। ये आपका सिलेबस है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।